राजस्थान में 4 साल में करीब 9 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। लाख कोशिशों के बाद भी पेपर लीक की घटनाओं पर राजस्थान सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है, जिससे आक्रोशित युवाओं ने अलवर शहर में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया। रैली कंपनी वाक से शुरू हुई। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतर गहलोत सरकार हाय हाय पेपर लीक बंद करो के नारे लगाए। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन दिया। रैली को संबोधित करते हुए युवाओं ने कहा कि यह युवा आक्रोश रैली है, कोई चुनावी स्टंट या वोट मांगने के लिए रैली नहीं निकाली गई है। यह रैली सरकार को चेतावनी के लिए निकाली गई है कि आगामी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। यदि सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया तो युवा कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार दोषी कर्मचारियों व डमी कैंडिडेट्स के खिलाफ सख्त कानून लाकर उन्हें निलंबित कर उनकी संपत्ति को जब्त कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे, जिससे पेपर लीक की घटनाओं पर विराम लगे। उन्होंने कहा, एक भर्ती के लिए युवाओं को कई साल का संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बार बार होती पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का मनोबल टूट चुका है। कई बार तो युवा अवसाद में आकर सुसाइड कर लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकार सख्त कानून लाकर पेपर लीक की घटनाओं पर हमेशा के लिए विराम लगा सकती है। डीएम साहब को 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। हम चाह रहे जो विधानसभा सत्र आ रहा है उसमें ऐसा कानून आया जाए कि अपराधी जेल से नहीं छूटे, वो साल दो साल जेल में पड़े रहे, उनकी संपत्ति जब्त हो। अब पकड़े जाते वापस छूट जाते, पेपर लीक करे, एक नहीं 10 भर्ती परीक्षा को पेपर लीक हो गए। रासुका का कानून तत्काल लागू किया जाए, सीबीआई की जांच करवाई जाए तमाम भर्तियों की, जो पता चले कि इनका मुख्य सरगना कौन है, कौन से नेता का इसमें हाथ है उसका खुलासा हो, और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। तो राजस्थान की युवा आकर्षित है, पूरे प्रदेश में हर जगह रैलियां निकालकर सीधी चेतावनी दे रहे कि एक भी पेपर लीक हो गया तो आने वाले चुनाव में नेताओं का भविष्य लीक राजस्थान का युवा करेगा। इस बार चुनाव जाति और धर्म के आधार पर नहीं होगा, इस बार चुनाव होगा रोजगार, नौकरी और पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए होगा। राजस्थान के युवा आक्रोशित है, हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ कि विधानसभा सत्र में आप ऐसा कानून लेके आए युवाओं को न्याय मिले, और 23 जनवरी को विधानसभा घेराव भी हम कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को न्याय चाहिए, पेपर माफियों का खात्मा होना चाहिए, जो अधिकारी पकड़े जाते हैं उनको निलंबित सीधा बर्खास्त किया जाए, डमी अभ्यर्थी नकलचियों को उनको हमेशा के लिए डिबार किया जाए, फर्जी डिग्री डिप्लोमा का उद्योग धंधा बंद हो। मेरे दस मेरे राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए आज हम सड़कों पर उतरे, जगह जगह युवा आक्रोश महारैली निकाल रहे हैं। विपक्ष को तो सड़कों पर आना चाहिए, और मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहूंगा, विपक्ष से भी कहना चाहूंगा कि संसद में भी उम्र कैद का सजा का प्रावधान आना चाहिए। अरे सपनों को बेच रहे युवा, रो रहा अवसाद में जा रहे, तो कम से कम युवाओं को बचाने के लिए माफियों के खिलाफ संसद में भी कानून है। राजनीति करने के बजाय तमाम राजनीतिक पार्टियों को युवाओं के भविष्य की सोचनी चाहिए, युवाओं का भविष्य बचाना चाहिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाना चाहिए, और इन माफियों का अभियान चलाकर खात्मा करना चाहिए। अन्यथा खात्मा नहीं हुआ तो राजस्थान में कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा कि राजस्थान के युवा आपस